नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू. इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स. अगर आपका आंसर ठीक है तो प्लस में मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो नेगेटिव में. इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर गिवन व्हाट इज वाज हिज टोटल एट द एंड. टोटल स्कोर्स ऑफ जैक अगर हमें टोटल फाइंड करना है 5 राउंड्स में तो सभी को प्लस करेंगे. 25 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस के 15 प्लस के 10 प्लस माइनस माइनस यही होता है. ऐड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 10. जो नेगेटिव की टर्म्स है उन्हें आप अलग से ऐड कर सकते हो, साइन आ जाएगा उसके साथ नेगेटिव. 25 माइनस 10 प्लस 5 इज 15 प्लस 15 प्लस 10. सेम टर्म्स है तो ऑपोजिट साइन के साथ माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो गया. दोनों टर्म्स जो बची पॉजिटिव है, 25 प्लस 10 तो 35. तो उसके स्कोर कितने हुए 5 राउंड्स में 35. क्लियर है? हमें 5 राउंड्स के स्कोर गिवन है. इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग हुई है. फर्स्ट राउंड में उसे मिले 25, सेकेंड राउंड में मिले माइनस 5, थर्ड में माइनस 10, फोर्थ में प्लस 15, टेंथ में फिफ्थ में 10 मार्क्स मिले. अब हमें टोटल स्कोर फाइंड करना है कि 5 राउंड्स में उसका टोटल स्कोर कितना हुआ. हमने सबको ऐड कर दिया. प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस. जो माइनस के टर्म्स है उन्हें अलग से ऐड करेंगे, साइन आएगा उसके आगे नेगेटिव. प्लस के 15 माइनस के 15 कैंसिल हो गए, दोनों टर्म्स प्लस की हैं, ऐड किया तो टोटल स्कोर आया 35. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे जो टेम्परेचर था वो था माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. ट्यूजडे और वेंसडे का हमें टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कहा है. क्या कहा है क्वेश्चन में? सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लिया. एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप्ड मतलब कम हो गया, नीचे गिर गया टेम्परेचर, मीन्स कम हो गया. तो माइनस करेंगे, माइनस 5 तो मंडे था, ट्यूजडे को 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया, मीन्स कम हो गया. तो माइनस 5 और माइनस 2 कितना हो गया ट्यूजडे को? माइनस 7 डिग्री सेल्सियस. So what was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. अब इस क्वेश्चन में rose means increase हो गया, dropped means कम हो गया temperature, down चला गया, और rose means बढ़ गया, temperature increase हो गया. अब कहा है कि on Wednesday की temperature 4 degrees Celsius rose हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि 4 डिग्री सेल्सियस रोज हुआ अकॉर्डिंग टू मंडे या फ्रॉम मंडे. इट मींस वो लगातार उससे पिछले दिन की बात कर रहा है कि टेम्परेचर मंडे को इतना था, ट्यूजडे को इतना हो गया, ट्यूजडे के बाद जब वेंसडे आया तो 4 डिग्री राइज हो गया. तो जो ट्यूजडे का टेम्परेचर होगा माइनस 7 डिग्री, रोज हुआ है तो पॉजिटिव साइन होगा, प्लस के 4. एक टर्म माइनस एक प्लस होगा माइनस, साइन बड़ी टर्म का. 7 माइनस 4 इज 3, सो माइनस 3 डिग्री सेल्सियस. रोज मींस इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव साइन आएगा, ड्रॉप्ड मीन डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव साइन आएगा. मंडे को इतना था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ तो माइनस के 2, माइनस 7 हो गया.
वेंसडे को रोज हुआ तो प्लस करेंगे कितना रोज हुआ 4 डिग्री सेल्सियस तो माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3 डिग्री सेल्सियस नोटेड डाउन क्लियर है नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर इस हाइट पे है प्लेन हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल के ऊपर से जो प्लेन की हाइट है दैट इज 5000 मीटर मान लो ये सी लेवल है इससे ये डिस्टेंस है 5000 मीटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज यहाँ पे सबमरीन है सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है पानी के ऊपर भी चल सकती है बिलो द सी लेवल से बिलो इट मींस ये नेगेटिव में होगा 1200 मीटर बिलो मींस नेगेटिव अबव मींस पॉजिटिव अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव की टर्म होगी बिलो है तो वो नेगेटिव की टर्म होगी क्लियर व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम अब हमें प्लेन और इस सी लेवल के और सबमरीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है कितना है क्या करेंगे सी लेवल से जितना इसका डिस्टेंस है उसमें से ये क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे क्योंकि वो तो सी लेवल तक है अगर ये सी लेवल तक आता है तो इसका जो डिस्टेंस है बढ़ गया तो राइट डाउन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन सी लेवल से 5000 मीटर था लेकिन उसे और नीचे जाना पड़ रहा है तो उसका डिस्टेंस कम होगा माइनस किया सबमरीन तक पहुंचा माइनस 1200 मीटर्स में तो 5000 माइनस माइनस प्लस 1200 डेट इज 6200 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच में क्योंकि अगर सबमरीन सी लेवल तक आती है तो उसने 1200 डिस्टेंस कवर किया अगर मान लो सबमरीन इस पॉइंट पे आ गई तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा प्लस 1200 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सी लेवल तक तो माइनस करेंगे इसलिए माइनस और दिस माइनस क्लियर नोटेड डाउन